हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइज, यहाँ पर मैं सिंपल सी रेडी हो गई हूँ और हमारी छोटी दुल्हन अच्छे से रेडी है। तो अभी दिखा रही हूँ छोटी दुल्हन का फाइनल लुक। ये है हमारी छोटी दुल्हन, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है और इनका ड्रेस तो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। चुके हैं हम हमारी छोटी दुल्हन के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। तो अभी हमारे इमरान भाई जा रहे हैं अंदर का अरेंजमेंट देखने के लिए। तब तक देख लीजिए आप यहाँ का पूरा व्यू होटल का। तो गाइस देख आए हैं इमरान भाई, अंदर का सारा कुछ सही है, रेडी है सब कुछ। तो बस अभी हम लोग सभी लोग उतर आए हैं और हमारे आज के मेन हीरो हीरोइन निकल चुके हैं। और सबसे ज़्यादा आज की हमारी मेन हीरोइन है हमारी उज़्मा। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं और उनका ड्रेस तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। गाइज मुझे ही नहीं, हमारे घर में सभी को उज़्मा का ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आया है। माशाल्लाह हमारी बर्थडे गर्ल लग रही है ना, एकदम बर्थडे गर्ल। मेरी खुशी के तो ठिकाने ही नहीं है क्योंकि मेरी बहन इतनी खूबसूरत लग रही है ना। अल्लाह ने नजरे मत से बचाए। तो आ चुकी हैं हमारी बर्थडे गर्ल अंदर, एंटर हो चुकी हैं और माशाल्लाह फिर से एक बार बहुत प्यारी लग रही हैं। तो गाइज़ अभी हमारी बर्थडे गर्ल बिल्कुल से रेडी है केक कटिंग के लिए और हम सब लोग भी आ रहे हैं और साथ ही में जुनेद भी चल रहा है हमारी छोटी दुल्हन के। और देखिए यहाँ का व्यू कितना प्यारा है, यहाँ का नज़ारा देखते मन नहीं भरता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से इस होटल को बनाया गया है। तो अभी हम सभी लोग अंदर आ चुके हैं और थोड़ी देर में होने वाला है केक कटिंग। तब तक आप देख लीजिए ये होटल का पूरा व्यू और यहाँ पर हमारी छोटी दुल्हन खड़ी हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी छोटी दुल्हन के लिए ही बना है।
तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, देख लीजिए आप लोग। और हम लोग तैयारियाँ कर लेते हैं केक कटिंग की। तो फिलहाल अभी हम सभी लोग अंदर आ चुके हैं और हमारी मम्मी भी आ गई हैं, इमरान भाई ले आए हैं। और मम्मी आने से बहुत ज़्यादा मना कर रही थी गाइज, लेकिन हमारी छोटी दुल्हन ने उनको राज़ी कर लिया था, आ नहीं रही थी, लेकिन हम लोग ले आए हैं। मम्मी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और गाइज देख लीजिए, ये है हमारा आज का केक, हमारी छोटी दुल्हन का केक, जिसे अभी हमारी छोटी दुल्हन कट करेंगी। तो बस गाइज देख लीजिए, हम लोग तो खूब इंजॉय कर रहे हैं और हमारी छोटी दुल्हन का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हो रहा है। पिछली बार नहीं हो पाया था, जिसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा। और गाइज जैसा कुछ मैंने सोचा था ना, मैंने वैसा कुछ कर पाया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे इमरान भाई ने भी यही सब कुछ सोच रखा था, तो हम दोनों देवर भाभी ने ऐसी तरह से सोचा था और सब कुछ हम कर पा रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो फिलहाल अभी बारी आती है केक कटिंग की। हमारी छोटी दुल्हन यहाँ पर सबसे पहले हम पहनाएंगे फूल माला, तो सबसे पहले हमारी मम्मी पहनाएंगी और उसके बाद आगे कौन पहनाता है देखते हैं अभी। तो यहाँ पर हमारी मम्मी ने पहना दी है फूल माला और अभी मैं पहनाऊंगी। तो गैस मम्मी के बाद बारी आती है मेरी, तो यहाँ पर मैं पहनाऊंगी और हमारी अप्पी भी खड़ी हैं पहनाने के लिए। तो बस अभी मैंने पहना दिया और आ चुकी हैं हमारी सोनी बाजी, और माशाल्लाह हमारी सोनी बाजी भी बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हैं। लाइट पिंक कलर का सूट पहना है हमारी सोनी बाजी ने। तो बस अभी और हबी जी लेकर बैठे हैं हमारे नन्हे मेहमान को। तो गाइज़ हमारे नन्हे मेहमान का तो आपको पता चल ही गया है कि किसका है और हमारे नन्हे मेहमान का नाम क्या है। तो गाइज़ अभी हमारी नन्ही परी को हमने पहली बार फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकाला है, और बाहर वो किस तरह से निकली है कि अपनी मामी के बर्थडे में बर्थडे सेलिब्रेट करने आई है होटल में। तो गाइज़ बस अभी यहाँ पर केक कटिंग हो गया है और सभी एक दूसरे को केक खिलाने लग गए हैं। तो बस इसी तरह से हमारा चल रहा है आज का। और हाँ गाइज, मैं जल्दबाजी में हड़बड़ाहट में पार्टी बम लेना भूल गई हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़े से फूल उड़ाने की कोशिश कर रही हूँ अपनी छोटी दुल्हन पर, देखिए, लेकिन वो छोटी दुल्हन तक नहीं पहुँच रहे हैं, वो मम्मी पर ही गिर कर रह जा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारी फीलिंग को हमारी उज़्मा समझ पा रही है कि हम क्या करना चाह रहे हैं। और अभी बुला रही हैं कि बाजी आ जाइए, मैं आपको भी केक खिला दूँ, तो मैंने उन्हें रोक दिया था कि नहीं अभी रुको दो मिनट, तो जब सारे फूल ख़त्म हो जाएंगे तब मैं आऊँगी। तो अभी हमारे सारे फूल ख़त्म हो चुके हैं और मैं चुकी हूँ छोटी दुल्हन को केक खिलाने के लिए। छोटी दुल्हन ने मुझे तो खिला दिया है, तो बस फिलहाल हम इसी तरह से आज इंजॉय कर रहे हैं। और देख लीजिए हमारी सोनी बाजी भी खड़ी हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर हमारा हंसी मजाक भी चल रहा है। मस्ती मजाक तो हमारा चलता ही रहता है, हमारी सोनी बाजी जहाँ हो वहाँ मजाक ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अभी बच्चों को बड़ों को सबको हमारी उज़्मा केक खिला रही हैं और इसके बाद होगा हमारा खाना। यहाँ पर अभी हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को केक खिलाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है, अल्लाह ताला इनकी जोड़ी को सलामत रखे इसी तरह से, और इसी तरह से इन दोनों के बीच प्यार रहे और हमेशा एक दूसरे को इसी तरह से खिलाते पिलाते रहें। तो बहुत प्यारा मोमेंट है ये, हस्बैंड वाइफ जब एक दूसरे को केक खिलाते हैं बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर हबी जी को खिला दिया है और मैंने भी खिला दिया है। और गाइज आप लोग सोच रहे होंगे जब दूर से दिखा दिया है तो फिर से ये केक खिला रहे हैं, तो गाइज डबल बार नहीं खिला रहे हैं, एक बार मैंने आपको दूर से दिखा दिया है और अभी मैं आपको क्लोज करके पास से दिखा रही हूँ। तो देख लीजिए हमारा इस तरह से चल रहा है, ये देखिए अभी हमारा शानू आ चुका है, और देखिए आप सबकी दुआओं से शानू हमारा बढ़िया हो गया है, माशाल्लाह हमारे साथ आ गया है बर्थडे सेलिब्रेट करने छोटी भाभी का। तो बस अभी हमारे साथ शानू भी है। और हाँ गाइज़, आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग हमारे परिवार मेरी फैमिली के लिए दुआ करिएगा कि इसी तरह से हम लोग सब एक साथ रहें, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और इसी तरह से एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकें और इन्जॉय कर सकें। तो हमारा परिवार हमेशा ऐसे ही एक साथ रहे, अल्लाह ताला हमारी फैमिली को नज़र बद से बचाएँ। तो आप लोग सब लोग हमारी फैमिली के लिए दुआ करिएगा कि हम एक साथ इसी तरह से रहें हमेशा ताउम्र, कभी किसी से अलग ना हों, एक दूसरे से अलग ना हों और ऐसे हम लोगों के बीच प्यार बना रहे। तो गाइज देख लीजिए यहाँ पर हमारे इमरान भाई ने गिफ्ट दिया है उज़्मा को गोल्ड की रिंग, जो कि अभी अपने हाथों से पहना रहे हैं अपनी दुल्हन को। तो माशाल्लाह ये मोमेंट तो बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाला है, देखिए अपने हाथ से पहना रहे हैं उज़्मा को। और इमरान भाई कह रहे थे कि भाभी सारा कुछ लेकर आना,
मेरी दुल्हन के लिए, मेरी वाइफ के लिए, जो भी उन पर नहीं हो वो सारा कुछ ले आना। आप साथ रहती हो, आपको पता होगा कि उज्मा के पास क्या है और क्या नहीं, तो देख लेना अपने हिसाब से ले आना। तो बस उन्होंने मुझे बता दिया था। और हमारी उज्मा के पास गोल्ड में एक रिंग की कमी थी तो वो मैं ले आई हूँ, और एक चांदी की रिंग की भी कमी थी वो भी मैं ले आई हूँ। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ पर अभी हमारे इमरान भाई उज्मा को दे रहे हैं बोगे। तो अभी तो मुझे मिल गया है मार्केट में, पिछली बार नहीं मिला था, हमें घर का ही होममेड काम चलाना पड़ा था। कोई बात नहीं, हो जाता है, अक्सर सभी के साथ ऐसा होता है, तो छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। तो अभी यहाँ पर सभी लोग उज्मा को गिफ्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे गिफ्ट की बारी आती है, तो यहाँ पर मैंने भी गिफ्ट दे दिया है। और हमारी सोनी बाजी भी गिफ्ट दे रही हैं, तो यहाँ पर हमारी सोनी बाजी ने मंगवाए हैं 2 सूट, तो एक सोनी बाजी देंगी और एक हमारा जुनेद। तो यहाँ पर अभी रेहान फरहान ने दे दिया है, और अभी बारी आती है हमारे जुनेद की, तो यहाँ पर हमारे जुनेद ने भी दे दिया है। और माशाल्लाह हमारा जुनेद भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो बच्चों ने गिफ्ट दे दिए हैं, और यहाँ पर अभी मैं अपने गिफ्ट को ओपन करने का बोल रही हूँ कि भाई मैं भी यहीं पर उज़्मा को पहनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने भी अपना गिफ्ट ओपन कर लिया है, और मैं पहना रही हूँ ये चांदी की रिंग। ये भी उज़्मा के पास नहीं थी, इसकी भी कमी थी, तो इस कमी को भी मैंने पूरा कर दिया है। और उज़्मा से कह रही हूँ कि लाओ भाई अपना हाथ लेकर आओ। तो देखिए यहाँ पर मैंने पहना दी है, और माशाल्लाह हमारी छोटी दुल्हन के हाथ की खूबसूरती बढ़ गई है इस रिंग को पहनने से। तो ये देखिए गोल्ड की और चांदी की दोनों रिंग हमने पहना दी हैं माशाल्लाह। और हमारी उज़्मा ऐसे ही ताउम्र खुश रहें और खुशियों से दामन भरा रहे हमेशा, यही दुआ करती हूँ अपनी छोटी दुल्हन के लिए। और अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाली रखें। घर चल कर दिखाएंगे बाकी सारे लोगों ने क्या दिया है, और जिसने जो दिया है थोड़ा बहुत हमने यही ओपन कर लिया है, बाकी का आपको मैं घर जाने के बाद दिखाऊंगी। तो केक कटिंग तो हो चुका है, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर खाने के लिए, क्योंकि सभी को भूख लगने लग गई है। तो यहाँ पर हम लोग ने खाने का ऑर्डर भी पहले ही कर दिया था, तो हमारा खाना रेडी था। तो बस गाइज अभी हमारा खाना लग चुका है, तो अभी हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद घर के लिए निकल जाएंगे। आप लोगों के लिए भी मैं दुआ करती हूँ कि आपकी फैमिली में भी इसी तरह से खुशहाली रहे जिस तरह से हमारे यहाँ रहती है। तो गाइज़ हमारे यहाँ कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी के भी बीच हम लोग इसी तरह से खुश रहते हैं हमेशा। तो मैं दुआ करती हूँ कि मेरी फैमिली की तरह आप लोग भी सभी लोग खुश रहें और इसी तरह से एक दूसरे की खुशियों में शामिल रहें, यही दुआ करती हूँ अपने दिल से गाइज़। तो फिलहाल अभी हमारा खाना लग गया है, हम खाना खा रहे हैं, आप लोग भी आ जाइए, आपको भी इनवाइट कर रही हूँ मैं खाने के लिए, आ जाएं आप लोग भी। गर्मा गर्म खाना टेबल पर आ चुका है और सब ने सर्व भी कर लिया है, तो बस अभी खाना खा रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर खाना पीना तो चल ही रहा है, ले लेते हैं साथ ही में अपने कुछ कमेंट। तो गाइज़ जो अकीके वाले वीडियो पर मुझे कमेंट आए थे, बहुत अच्छे कमेंट आए थे माशाल्लाह, मुझे बहुत खुशी हुई उन्हें पढ़कर, और कुछ कमेंट के मैंने रिप्लाई भी दिए थे। तो सभी ने, मेरे अपनों ने मुझे बहुत प्यारे कमेंट किए हैं, और उसमें लिखा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो गाइज़ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपका नज़रिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, आप मुझे खूबसूरत नज़रिए से देखते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को खूबसूरत लगती हूँ, तारीफ़ के लायक लगती हूँ। गाइज़ मैं तारीफ़ के लायक नहीं हूँ, कुछ भी मुझ में ऐसा नहीं है कि कोई मेरी तारीफ़ करे, लेकिन आप लोग करते हैं, उसके लिए दिल से तहे दिल से बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया मेरी इतनी तारीफ़ करने के लिए। और अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखें, आबाद रखें, खुश रहें, प्यार बांटें अपनी फैमिलियों के साथ, खुश रहें, खुशहाल रहें, यही कहूँगी। कटिंग हो चुका है और हमारी छोटी दुल्हन का बर्थडे सेलिब्रेट भी हो चुका है, और यहाँ पर सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, और हमारे इमरान भाई भी लगे पड़े हैं। और ये देखिए हमारी छोटी दुल्हन माशाल्लाह उज़्मा, हमारी मम्मी भी बैठी है। तो यहाँ पर सभी के फोटो क्लिक हो रहे हैं, सब अपनी अपनी सेल्फीज में लगे हुए हैं, और यहाँ पर दोनों बहन भाई ये देखिए क्या स्टाइल में बैठे हैं। तो बस यहाँ पर सभी अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं, कोई पानी पी रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है। ये देखिए माशाल्लाह हमारे इमरान भाई, हमारी छोटी दुल्हन मैचिंग मैचिंग। तो बस अभी यहाँ से हम लोग थोड़ी देर में घर के लिए निकल रहे हैं, हो चुका है सारा कुछ, और घर चलकर दिखाएंगे बाकी सारे लोगों ने क्या दिया है, और जिसने जो दिया है थोड़ा बहुत हमने यहीं ओपन कर लिया है, बाकी का आपको मैं घर जाने के बाद दिखाऊंगी। हो चुका है हमारी छोटी दुल्हन का बर्थडे, और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, गर्मा गर्म। तो अभी हम सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है, और गाइज हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, बहुत लेट नाइट हम अपने घर पहुँचेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं,
और यहाँ पर हम लोग सभी लोग निकल रहे हैं बाहर के लिए। खाना पीना सबका हो गया है और इमरान भाई मम्मी को लेकर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारी सोनी बाजी फ्री फ्री, और मैंने ले लिया है उनकी नन्ही प्रिंसेस को। तो मुझे तो गाइस बहुत ज़्यादा शौक आता है छोटे बच्चों को लेने में, और बहुत लाड़ आता है, और अदीबा पे भी हमारी बहुत लाड़ आता है। और अब तो हमारी अदीबा की हमें याद आने लग गई है, और अब हमसे पूछने लग गए हैं कब आओगी अदीबा। अदीबा की बहुत याद आ रही है हमें, बहुत मिस कर रहे हैं हम हमारी अदीबा को। ये देखिए उज़्मा का मन नहीं भरा है फ़ोटो क्लिक करवा करवा के, अभी इस तरफ जा रही है। यहाँ पर भी कह रही है बाजी यहाँ बहुत अच्छे फोटो क्लिक होंगे, मैं यहाँ पर अपने फोटो क्लिक करवा लूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। उज़्मा, उज़्मा को पता नहीं है मैं इनका वीडियो बना रही हूँ। चुके हैं हम लोग घर पर, और बर्थडे हमारी छोटी दुल्हन का बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट हुआ है। तो बारी आती है यहाँ पर गिफ्ट को ओपन करने की, और हम लोगों ने चेंज भी कर लिया है। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि किसने क्या दिया है। यहाँ पर हमने सारे गिफ्ट निकाल कर रख लिए हैं, तो अभी हमारी छोटी दुल्हन भी रेडी है गिफ्ट को ओपन करने के लिए। तो देख लेते हैं हम, दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हबी जी के गिफ्ट से। तो यहाँ पर ये हबी जी ने दिया है उज़्मा के जेठ जी ने, तो वही उज़्मा ओपन कर रही हैं अभी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है, क्या है उज़्मा इसमें दिखाओ। तो गाइज ये है गरारा हमारी छोटी दुल्हन के लिए, तो ये मैं गरारा लेकर आई हूँ, और इसी का सेम पीस मैं सोनम के लिए लेकर आई हूँ मेरी बहन के लिए। इसका दुपट्टा शिफॉन में है, शिफॉन फैब्रिक है दुपट्टे का, ये ज़्यादा प्यारा कलर लग रहा है। और छोटी दुल्हन से पूछते हैं कि छोटी दुल्हन कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है उज़्मा? बहुत अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है उज़्मा को। तो हमारी सोनी बाजी ने दिया है, और सोनी बाजी ने दिए हैं दो गिफ्ट, देख लेते हैं इसमें क्या है। मुझे तो पता है लेकिन हमारी छोटी दुल्हन को नहीं पता है, और आप लोगों को भी, तो अभी देख लेते हैं। तो इसमें भी सूट है गाइज कैटलॉग का है, ये देखिए बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा। तो देखिए कुछ इस तरह का है ये। ये तो हुआ हमारी सोनी बाजी का गिफ्ट, बारी आती है जुनैद का गिफ्ट ओपन करने की। तो यहाँ पर हमारी छोटी दुल्हन ने दूसरा सूट भी ओपन कर लिया है, देखिए माशाल्लाह ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ऑरेंज कलर है, ग्रे कलर की शलवार है, और ऑरेंज कलर की कुर्ती है, और ग्रे ऑरेंज दुपट्टा है इसका, चुन्नी प्योर कॉटन फैब्रिक है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। एक और बच्चों का गिफ्ट खोलने की, तो यहाँ पर ये रेहान फरान ने जो गिफ्ट दिया है वो खोल रही हैं छोटी दुल्हन, और वहाँ पर मिसमैच हो गए थे, जो जिसके हाथ आया वो दे दिया था, लेकिन ये रेहान फरान ने दिया है, और उन सूटों में से एक सूट अप्पी ने दिया है और एक जुनेद ने दिया है, इस तरह से है, और वो हबी जी ने दिया है तो तई कलर का। देखिए कलर कितना प्यारा है, बहुत खूबसूरत है, और चुन्नी भी बहुत प्यारी है इसकी। तो इस बार तो सूटों की बाहर आ गई है उज़्मा के पास। ये चांदी की रिंग मैंने दी है, मेरी तरफ से है, ये वाली रिंग उज़्मा के पास नहीं थी, इसकी कमी थी, तो मैंने ये कमी पूरी कर दी है उज़्मा की। तो अभी सासू माँ का गिफ्ट भी निकल आया है, देखिए मम्मी ने दिए हैं उज़्मा को चांदी के बिछिए, 6 बिछिए हैं ये, देखिए ऐसा डिज़ाइन है इसका, बहुत प्यारी लग रही हैं। आएंगे आपको कि हमारे इमरान भाई ने क्या क्या दिया था। तो एक तो ये था इमरान भाई की तरफ से, जो इमरान भाई ने ड्रेस दिलवाया था उज़्मा को, लेकर मैं आई थी लेकिन था इमरान भाई की तरफ से। तो ये ड्रेस तो आपने देखा ही है, इसे खोलो मत उज़्मा, वापस से तय लगाना पड़ेगा। तो ये तो आपने देखा ही है उज़्मा ने पहना था, और ये बुगे भी इमरान भाई की तरफ से था, और ये चूड़ी के मैं सेट बनवा कर लाई थी वो मैचिंग का, ये भी आपने देखा ही है, पहनी थी उज़्मा ने, पहन रखी थी। तो माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारी लग रही हैं। और बारी आती है गोल्ड की रिंग की, वो भी आप लोगों ने देख ली है लेकिन एक बार फिर से दिखा देते हैं। देखिए बहुत ही यूनिक सी पैकिंग में है, बहुत प्यारी लगती है मुझे ये वाली पैकिंग। तो अभी इमरान भाई का ये गोल्ड की रिंग सबसे बड़ा गिफ्ट है ये, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, दिखा रही हूँ मैं आपको पास से कि कैसा डिज़ाइन है, वैसे तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ये गोल्ड की रिंग चूड़ियाँ ड्रेस और बोगे, ये सारा कुछ इमरान भाई की तरफ से है। तो गाइज ये थे सारे हमारी छोटी दुल्हन के गिफ्ट, कैसे लगे आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
तो गाइज फिलहाल आप लोगों से लेते हैं विदाई। तो गाइज ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को, उम्मीद करती हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वही वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, जल्द लौट कर आऊंगी एक नए फन ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।